नमस्कार दोस्तों, अभी भारत सरकार द्वारा रिसेंटली एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के बिल पास किया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। तो आज हमारे बीच अनिरुद्ध उनियाल जी, जो कि पीजीआई के छात्र और एसीपीटी के प्रेसिडेंट हैं। आज हम इस बिल के बारे में उनसे विस्तार में जानेंगे। अनिरुद्ध उनियाल जी, आपका स्वागत है। तो अनिरुद्ध जी, हमें बताइए संक्षेप में, आखिर ये बिल है क्या जो नया बिल लाए हैं, इस बिल के बारे में बताइए। NCAHP यह बिल राष्ट्रीय लेवल पर पहली बार उन वर्कर्स का सहारा बना जिन वर्कर्स को इस देश में पूछने वाला कोई नहीं था। आज से पहले हमारी स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर सेंट्रिक हुआ करती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार डॉक्टर सेंट्रिक ना होकर स्वास्थ्य के क्षेत्र को पेशेंट सेंट्रिक किया गया। और उन स्वास्थ्यकर्मी को जिनको कोई नहीं पूछता था या जिनके कार्य की सराहना नहीं होती थी, उस कार्य की सराहना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह बिल लाया गया। मुख्यतः इस बिल में दो तरीके के रजिस्टर की बात कही गई है, जो कि राष्ट्रीय लेवल पे एक कमीशन और हर राज्य के स्तर पर एक कमीशन बनाया जाएगा। राष्ट्रीय लेवल की कमीशन का चेयरमैन केंद्र सरकार तय करेगी और राज्य स्तर पर राज्य सरकार तय करेगी। साथ ही हर प्रोफेशन को उसकी एक एक कमीशन, एक काउंसिल दी गई है। साथ ही ऐसी 6 काउंसिल बनाने का केंद्र सरकार ने इस बिल में प्रावधान रखा है। तो अनिरुद्ध जी, हमें ये बताइए, इस बिल से किस क्षेत्र में फ़ायदा होगा? इस बिल में मुख्यतः सारे जितने भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड HCP हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मुख्यतः वो होंगे जिनका कोर्स 4 वर्ष से कम का है, और 4 वर्ष से 6 वर्ष वाले जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्सेज में रखा गया है। यह बिल फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में एक, जिसे कहते हैं, मील का पत्थर या क्रांतिकारी कदम लेकर आएगा। तो अनिरुद्ध जी, आप फिजियोथेरेपी के प्रतिनिधि हो, तो आप हमें ये बताइए कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में इस बिल से क्या फ़ायदा होगा? इस बिल में WHO द्वारा, ILO द्वारा व अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जो फिजियोथेरेपी की परिभाषा दी गई है, उसको लागू कर केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जैसे कि उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अ फिजियोथेरेपिस्ट इज़ अ प्रोफेशनल वो कैन इवेल्युएट, वो कैन असेस, वो कैन ट्रीट, वो कैन डायग्नोज एंड वो कैन हेल्प इन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट केयर। इस हिसाब से एक फिजियोथेरेपिस्ट साथ ही बैचलर डिग्री के साथ एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए भी फिजियोथेरेपी की स्वायत्तता की जो इसमें बात कही गई है, इससे फिजियोथेरेपी के आत्मसम्मान एवं गौरव के प्रति यह बिल एक परोपकारी और ऐतिहासिक कदम होगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में पक्के मापदंड तय होंगे, यहाँ तक कि रोजगार, स्वरोजगार और इस तरह के विषय भी आगे बढ़ेंगे। और जैसे पहले फिजियोथेरेपी, जिसे कह सकते हैं कि कोई मापदंड राष्ट्रीय लेवल पर कोई मानक तय नहीं थे, लेकिन फिजियोथेरेपी और अन्य एलाइड हेल्थ कोर्सेज के एक राष्ट्रीय लेवल पर एक मानक तय होकर, जिसे कहते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, यह कोर्सेज आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में फिजियोथेरेपी द न्यू मॉडर्न मेडिसिन बनकर उभरेगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, यह बिल एक आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की ओर आगे बढ़ेगा। और मिलकर हम सकता है सारे फिजियोथेरेपिस्ट और एलाइड हेल्थ केयर वर्कर मिलकर भारत के स्वर्णिम युग में हम सब मिलकर अपना योगदान देंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और पूरी सरकार का इस बिल के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही अपने फिजियोथेरेपी के और एलाइड हेल्थ के हमारे जितने भी साथी हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एक क्रांतिकारी कदम है और हम सब मिलकर इस कदम का समर्थन करें। एक एलाइड हेल्थ वर्कर्स की पहचान, उनका गौरव और उनके आत्मसम्मान के लिए यह बिल सरकार ने लाया है। और मुझे उम्मीद है यह बिल एक मील का पत्थर साबित होकर राष्ट्र के विकास में, स्वावलंबी भारत के विकास में, एक आने वाले समय में भारत की सर्वांगीण विकास के लिए हमें आगे ले जाएगा। साथ ही देश में जिस प्रकार से फिजियोथेरेपी में एलाइड हेल्थ वर्कर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों की कितनी कमी है, WHO की एक रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, जिसके अनुसार देश में केवल और केवल 60,000 फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन 60,000 में से भी केवल 4,000 ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि वेल क्वालिफाइड हैं। सोचिए, जहाँ इस फिजियोथेरेपी का आने वाले समय में हम किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं और इससे नए रोजगार के साधन हम देश में पैदा कर सकते हैं, उस विषय पर हमारी आज तक किसी ने चर्चा ही नहीं करी। और मुझे लगता है यह बिल आकर नए रोजगार के साधन पैदा करेगा और साथ ही युवाओं का एलाइड हेल्थ केयर के प्रति, फिजियोथेरेपी के प्रति रुझान बढ़ेगा और नए रोजगार, आत्मनिर्भर रोजगार के प्रति हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपने हमें ये जानकारी दी और ये भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। और आशा करता हूँ कि इससे एलाइड हेल्थ की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ेगा और युवाओं को और अवसर मिलेंगे ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।